पल्स बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैलेसो ब्रंकस चाइनेंसिस। इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर सिलोपटेरा, क्योंकि जितने भी बीटल्स आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, सिलोपटेरा के अंदर आते हैं। सिलोपटेरा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एक तो इलेक्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रा के अंदर क्या होता है कि जो इनके फ्रंट विंग्स होते हैं, फोर विंग्स होते हैं, वो हार्डेंड हो जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रा बोलते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है क्राइसोमेलिटिया, लेकिन इसकी जो सब फैमिली होती है वो होती है ब्रुचिडिया। उसके बाद जीनस कैलेसोब्रंकस एंड द फैमिली इज चाइनेंसिस। उसके बाद आती है इसकी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जहाँ जहाँ पल्सेज होंगे वहाँ वहाँ पल्स बीटल होगा, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम इसके होस्ट प्लांट की बात करते हैं, तो होस्ट के अंदर आता है कि सारी की सारी जो पल्सेज होती हैं, बीन्स होती हैं या ग्राम्स होते हैं, वो सब के सब एज अ होस्ट काम करते हैं। यानी कि इसके अंदर एग्जाम्पल देना है तो ब्लैक पी आ सकता है, पिजन पी आ सकता है, सोया बीन शो कर रखी है, ग्रीन पी, ब्लैक पी, लॉबिस, तो ये पिजन पी, ये सब इसके होस्ट प्लांट की तरह काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो होती है कंप्लीट 60 डेज के अंदर नॉर्मली, बट अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कंडीशन वेरी कर जाए तो इसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड भी या प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकती है। उसके बाद आता है कि पेस्ट जो होते हैं यूजुअली हाइबरनेट करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सबसे पहले इसकी अगर मेनली लाइफ साइकिल हम देखें तो होगी क्या, सिलोपिटेरा से बिलोंग करता है, तो सिलोपिटेरा के अंदर होती क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि एग होगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से क्या होगा, प्यूपा, प्यूपेशन होगी, और उसके बाद क्या कन्वर्ट होगा, अडल्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर एक अगर हम एग्स की बात करते हैं, तो एग्स जो होते हैं वो स्टोर्ड ग्रेन्स के ऊपर या जो भी हमारे पास सीड्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि ग्रेन्स एक्चुअली सीड्स ही होते हैं प्लांट के जिनको हम कंज्यूम करते हैं, तो जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर सिंगली एग्स को लेट डाउन किया जाता है, और एग्स का अप्रोक्सीमेटली साइज 1 mm होता है, वाइट कलर के होते हैं, ओवल होते हैं। जब लेट डाउन किए जाते हैं उस टाइम पे ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, उसके बाद ये सीड पे स्टिक कर जाते हैं। एक जो फीमेल होती है वो 100 एग्स के अप्रोक्सीमेटली एग्स जो होती है लेट डाउन करती हैं। एग्स को सिंगली लेट डाउन किया जाता है, लेकिन एक ग्रेन के ऊपर एक से ज़्यादा एग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 दिनों के बाद एग हैच करता है लार्वा के अंदर, और बीटल्स के केस में हम यूजली इसको ग्रब भी बोलते हैं। उसके बाद जो लार्वा होता है वो क्या करेगा, सीड के अंदर बोर कर जाता है, और अंदर बोर करने के बाद वो वहीं पे उसका जो कंटेंट होता है उसको कंज्यूम करता है और अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप करता है। ठीक है, तो यानी कि और जब ये अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप करता है, इस दौरान अप्रोक्सीमेटली इसको 2 हफ्तों से 3 हफ्ते का टाइम लगता है, यानी कि 14 से 21 दिनों तक का इसका टाइम लगता है समर्स के अंदर। और जब ये पूरे तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेता है, तब इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 mm, यानी कि क्योंकि ये अभी भी ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो ग्रेन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा कि 4 से 5 दिनों के बाद ग्रब आया, ग्रब क्या करेगा, सीड्स या जो भी पोड है उन सब के अंदर बोर कर जाता है और वहीं पे डेवलप करता है। डेवलपमेंट में 14 से 21 दिन का टाइम लगता है, 6 mm की लेंथ हो जाती है जब ये पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है। और अगर हम इसकी देखें तो ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है, फ्लैशी होता है या रिंकल्ड होता है। उसके बाद आता है प्यूपा की, प्यूपेशन जो होती है वो एक प्यूपल सेल के अंदर होती है बिनिथ द सीड कोट, क्योंकि जब ग्रब अंदर बोर कर जाता है और उसके कंटेंट के ऊपर फीड करता है सीड के, तो वो कम्प्लीटली कंटेंट को, जो अंदर का कंटेंट होता है सीड का, उसको कंज्यूम कर लेता है, सिर्फ एक बाहर की जो कोट होती है वो रह जाती है, तो जो जिसको हम बोलते हैं सीड कोट या फिर टेस्टा। तो जो प्यूपल सेल होती है वो टेस्टा के बिनिथ बनाई जाती है और उसके अंदर प्यूपेशन होती है। प्यूपा जो है वो कैसा है, ब्राउन इन कलर होता है, और इसको 4 डेज का टाइम लगता है समर के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली 21 या 28 दिनों का टाइम, एक मंथ का जो टाइम होता है वो लगता है विंटर्स के अंदर। फिर आता है कि अब क्या होगा कि अडल्ट बाहर निकलेगा कवरिंग को रिमूव करके, और एक सीड जो सॉरी एक होल वो क्रिएट करता है सीड के अंदर जिससे वो बाहर निकलता है। और अगर ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ये चीज़
शो करते हैं कि यहाँ से इंसेक्ट जो है वो बाहर निकला है, और अब जो अडल्ट होते हैं वो सीड के सरफेस के ऊपर मूव कर जाते हैं। उसके बाद जो अडल्ट होता है इसकी लाइफ साइकिल, इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 8 से 21 डेज का। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अडल्ट की, तो जो अडल्ट होता है ये अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 mm तक का इसकी जो होती है लेंथ होती है। तीन से चार एमएम की जो होती है अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है। ये स्पेसिमेन है पल्स बीटल का। और इसके यहाँ पर मिडल के अंदर क्या होता है कि 2 व्हाइट स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और चॉकलेट कलर की इसकी बॉडी होती है, और इसके बाद ही इनका जो हेड होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। डैमेज, मेन डैमेज जो होता है वो अडल्ट और लार्वा जो होता है वो कॉज करता है, क्योंकि जो लार्वा होता है या जो ग्रब होता है वो क्या करता है कि सीड के अंदर बोर कर जाता है और उसके सारे के सारे कंटेंट को वो क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो वो एक तरीके से उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करता है। उसके बाद वहीं पे वो उसके सारे कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद सिर्फ एक टेस्टर रह जाते हैं, जहाँ पे फिर वो प्यूपेशन प्यूपल सेल बनाता और प्यूपेशन करता है। और 1 mm के अगर होल सीड के सरफेस के ऊपर अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो मार्क करते हैं कि यहाँ से इंसेक्ट बाहर आ चुका है। अगर ह्यूमिड कंडीशन होती है तो इन्फेस्टेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। उसके बाद आते हैं कि कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम दालें वगैरह जो होती है सनलाइट के अंदर सुखा देते हैं और उनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, और ऐसे गनी बैग्स के अंदर हम पल्सेस को स्टोर करते हैं जिसके अंदर पॉलिथीन से वो लाइंड होता है। उसके बाद आता है कि सीड ब्रेकेज को अवॉइड करते हैं, और अगर ऐसे ब्रोकन सीड हो जाते हैं, सीड अगर टूट जाती हैं कुछ, तो उनको स्टोर नहीं किया जाता लॉन्गर पीरियड्स के लिए। उसके बाद आता है कि हम इनर्ट सब्सटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल के अंदर मेलेथियन वगैरह का जो होता है गनी बैग्स को हम यूज़ करने से पहले जो होता है कि डिप कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर अगर कोई पेस्ट की डेवलपिंग स्टेज हो या पेस्ट हो तो वो रिमूव हो जाए। या फ्यूमिगेशंस भी किया जाता है, फ्यूमिगेशन होता है कि किसी जगह को जहाँ स्टोर वगैरह करना है, किसी यूजुअली एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वगैरह जो होता है उस फ्यूमिगेशन मतलब गैसियस स्टेज के अंदर उसका स्प्रे किया जाता है। मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर हो गया कि यूज़ करने से पहले जो गनी बैग्स होते हैं उनको 15 मिनट तक गर्म पानी के अंदर जो होता है डिप करके रखा जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर सबसे अच्छा होता है कि नीम की जो लीव्स होती है या वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर स्टोर्ड ग्रेन्स के साथ।